गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले अपन ने क्या देखा था, मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन चेंज देखी थी, ठीक है ना। इसके बाद में कौन सी आती है, मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन, ठीक है ना। सेकंड रिलेशन क्या आएगा, सेकंड रिलेशन, ठीक है। इसमें देखते हैं कि हेलम वोल्टेज जो मुक्त ऊर्जा होती है उसका मान क्या होता है। हेलम वोल्टेज मुक्त ऊर्जा, वोल्टेज फ्री एनर्जी, कितनी होती है फंक्शन। हेलम वोल्टेज मुक्त ऊर्जा का फंक्शन क्या होता है, हेलम वोल्टेज मुक्त ऊर्जा, फलन, ठीक है, क्या होता है, एफ बराबर यू माइनस टी एस। हेलम वोल्टेज मुक्त ऊर्जा फलन क्या होता है, एफ बराबर यू माइनस टी एस, ठीक है। अब ये वाले मान, अब देखिए इस वाले पार्ट का क्या मान आएगा, जैसे कि एफ बराबर कितना है, यू माइनस टी एस, ठीक है। इसका सूक्ष्म, इस वाले पार्ट को सूक्ष्म मानते हुए इसका डिफरेंशियल कर दीजिए, ठीक है ना। इस वाले पार्ट को अपन सूक्ष्म मानते हुए क्या कर देंगे, इसका डिफरेंशियल कर देंगे, तो क्या आएगा, सूक्ष्म मानते हुए अवकलन करना, कितना आया इक्वेशन फर्स्ट, कितना आएगा, डी एफ बराबर डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, ठीक है। समीकरण एक का क्या कर दिया अपने, डिफरेंशियल कर दिया, इस वाले पार्ट को सूक्ष्म मानते हुए इसका क्या कर दिया अपने, इसका डिफरेंशियल कर दिया। देन इसमें देखो, इससे पहले उष्मा गतिकी के जो थर्मोडायनेमिक्स है उस वाले पार्ट के अपन ने फर्स्ट व सेकंड नियम प्राप्त किए थे, ठीक है ना। फर्स्ट व सेकंड नियम में एक इक्वेशन आई थी, जो लास्ट वाला रिलेशन निकाला था, फर्स्ट रिलेशन निकाला था उस वाले में एक इक्वेशन आई थी, क्या आई थी, डेल यू बराबर कितना आया था, टी डी एस माइनस पी डी वी, ठीक है, कितना आया था, डेल यू बराबर टी डी एस माइनस पी डी वी, ठीक है। ये वाला क्या आया था, इसमें इक्वेशन प्राप्त हुई थी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सॉरी थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट व सेकंड व थर्ड से क्या रिजल्ट आएगा इस वाले पार्ट का, इस वाले डेल यू के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, टी डी एस माइनस पी डी वी लिखा जा सकता है, टी डी एस माइनस पी डी वी लिख सकते हैं। देन डेल एफ बराबर क्या रिजल्ट आया, ये वाला पार्ट इसमें रख दो, टी डी एस से टी डी एस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, क्या बचेगा, माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी, ठीक है। ये वाले क्या आ गए, इसमें मान आ गए, ठीक है, डेल एफ बराबर माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी, ठीक है ना, ये वाले मान इसमें अपने पास यहाँ पे प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। अब इन वाले पार्टों का अपन क्या कर देते हैं,
देखिए जो फंक्शन f है वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है, वैसे तो मैक्सवेल के जो इक्वेशन आए थे वो सभी पार्टों पर डिपेंड हो रहे थे, किस पे, p प्रेशर, v वॉल्यूम, s एंट्रोपी, t टेम्परेचर, ठीक है ना। ये किस वाले पार्टों पर डिपेंड हो रहे थे, p प्रेशर पे, v वॉल्यूम पे, s एंट्रोपी पे, t क्या आ जाएगा टेम्परेचर, ठीक है ना। इन वाले पार्टों पे ये क्या हो रहे थे, डिपेंड कर रहे थे। देन डेल एफ बराबर किस किस पर डिपेंड हो रहा है, पी डी वी एस डी टी, यानी चारों पार्टों पर डिपेंड हो रहा है, जिसमें वी ओ टी क्या है, स्वतंत्र राशियां हैं, ठीक है ना। वी ओ टी क्या है, स्वतंत्र राशि है, ठीक है ना। तो इनको क्या कर सकते हैं अपन, अलग अलग रूप से इनका आंशिक अवकलन कर सकते हैं, ठीक है ना। अलग अलग रूप से इनका क्या कर सकते हैं, आंशिक अवकलन कर सकते हैं, यानी कि एक बारी v को कांस्टेंट रख लिया t के सापेक्ष कर देंगे, ठीक है, एक बारी t को कांस्टेंट रख लिया v के सापेक्ष कर देंगे, ठीक है। आंशिक अवकलन करेंगे दोनों पार्टों का, अलग अलग कर देंगे, जैसे कि फंक्शन इस वाले v को कांस्टेंट रखेंगे t के सापेक्ष हो जाएगा, t को कांस्टेंट रखेंगे v के सापेक्ष हो जाएगा। जैसे कि आंशिक अवकलन करने पर अवकलन करने पर क्या रिजल्ट आया, डेल एफ इस वाले टी को क्या कर देंगे अपन, कांस्टेंट रख लेंगे, डेल एफ अपन डेल वी टी को कांस्टेंट रख लिया, माइनस क्या आया पी, ठीक है ना। डेल एफ अपॉन डेल वी टी, डेल एफ अपॉन डेल वी टी इक्वल टू माइनस पी, ठीक है ना। टी को कांस्टेंट रख के वी के सापेक्ष क्या कर दिया, इसका आंशिक अवकलन कर दिया, ठीक है। टी को कांस्टेंट रख के वी के सापेक्ष क्या कर दिया, इसका आंशिक अवकलन कर दिया। इसी प्रकार नेक्स्ट वाले पार्ट में देखते हैं, इसी प्रकार क्या रिजल्ट आएगा, देखिए क्या लिख सकते हैं, डेल एफ अपॉन डेल टी वी माइनस एस समीकरण नंबर 6, डेल एफ सेकंड वाले पार्ट में क्या किया अपन ने, वी को क्वेश्चन रखे टी के सापेक्ष क्या कर दिया, आंशिक अवकलन कर दिया, ठीक है। रिजल्ट क्या आया, समीकरण नंबर 6 के रूप में रिजल्ट आ गया। अब क्या करते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल करेंगे इसका, एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या, यथातथ डिफरेंशियल, ठीक है ना। उस वाले में क्या आएगा, डेल एफ अपॉन डेल वी टी के साथ कर रखा था, स्टार्टिंग क्या था एफ का, वी के साथ अवकलन करके टी को कांस्टेंट रखा गया है। इस पूरे फंक्शन को क्या करते हैं, डेल अपॉन डेल टी के साथ डिफरेंशियल, और वी क्या आ जाएगा यहाँ पे, कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। डेल अपॉन डेल टी, डेल एफ अपॉन डेल वी इंटू टी, वी के सापेक्ष। इसी प्रकार डेल एफ अपॉन डेल टी वी को कांस्टेंट रखा गया है, ठीक है ना। डेल एफ अपॉन डेल टी वी को कांस्टेंट कर दिया, और यहाँ पे क्या आएगा, डेल अपॉन डेल वी कांस्टेंट क्या है, टी आ गया। समीकरण नंबर 7, ठीक है। From equation 5, 6, 7. क्या रिजल्ट आएगा, डेल एफ अपॉन डेल वी टी, डेल एफ अपॉन डेल वी टी क्या आया, माइनस पी, डेल अपॉन डेल टी
माइनस पी क्या आ जाएगा कांस्टेंट वी। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे वाले पार्ट में क्या रखेंगे डेल एफ अपॉन डेल टी, डेल एफ अपॉन डेल टी का मान समीकरण 6 से कितना है माइनस एस डेल अपॉन डेल वी एस कांस्टेंट क्या था टी, समीकरण नंबर बी कर देना इसको। ठीक है, माइनस दोनों पार्टों में था इसलिए क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, सेक्शन ए और बी माइनस क्या था दोनों वाले पार्टों में था इसलिए इस वाले पार्ट को क्या कर देते हैं कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, ये क्या आएगा सेकंड रिलेशन ऑफ मैक्सवेल। ठीक है, मैक्सवेल का द्वितीयक संबंध। ठीक है, हेलम होल्टेज मुक्त ऊर्जा फलन को याद रखना है, एफ बराबर क्या होता है यू माइनस टी एस डिफरेंशियल कर दीजिए। ठीक है ना, डेल यू का मान रख देना, डेल यू का मान कितना है टी डी एस माइनस पी डी वी और इनका आंशिक अवकलन करते जाइए। ठीक है ना,